संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा CGLE 2016 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को निर्देश। सभी अभ्यर्थी ध्यान दें, यह एक अद्यतन वीडियो है और इसमें संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा 2016 की प्रक्रिया से संबंधित नई जानकारी शामिल है। कृपया संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा 2016 के लिए उपस्थित होने से पहले इस वीडियो को जरूर देखें। परीक्षा के दिन से पहले के महत्वपूर्ण अनुदेश। नमस्कार, आगामी कंप्यूटर आधारित परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों के लिए अनुदेशों से आपको परिचित कराने हेतु तैयार किए गए इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं विजय हूं और इस वीडियो के लिए मैं आपका मार्गदर्शक होऊंगा। आपको सलाह दी जाती है कि आपको अभ्यास परीक्षा, जिसे विशेष रूप से कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए तैयार किया गया है, कैसे परिचित हो जाएं। यह अभ्यास परीक्षा आयोग और क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइटों पर उपलब्ध है। आप संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइटों से आयोग की वेबसाइट पर दी गई सूचना अनुसार अपना प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र में निम्नलिखित महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान की गई हैं। रोल नंबर लॉगिन आईडी के रूप में उपयोग किया जाएगा, पासवर्ड, टिकट संख्या, परीक्षा स्थल का विवरण और परीक्षा समय सारणी, परीक्षा की तिथियां और समय। आपको प्रवेश पत्र में दिए गए रिपोर्टिंग समय पर परीक्षा स्थल पर पहुंचना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि आपके प्रवेश पत्र में दिए गए प्रवेश बंद होने के समय के बाद परीक्षा स्थल पर पहुंचने की दशा में आपको परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। परीक्षा स्थल तक पहुंचने के लिए आपको स्वयं ही व्यवस्था करनी होगी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपको परीक्षा स्थल की जगह का पता है। आपको परीक्षा से एक दिन पहले वहां का दौरा करने की सलाह दी जाती है, ताकि परीक्षा के दिन आप परीक्षा स्थल पर समय से पहुंच सकें। किसी भी पूछताछ के लिए आप संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के साथ दिए गए दूरभाष नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। परीक्षा के दिन के लिए अनुदेश। परीक्षा के आरंभ होने से पूर्व अनुदेश। आपको प्रवेश पत्र के अतिरिक्त निम्नलिखित चीजें लानी होंगी, पासपोर्ट आकार की अपनी नवीनतम रंगीन फोटो की दो प्रतियां, आईडी प्रमाण मूल आईडी के साथ उसकी एक फोटोकॉपी। इसमें निम्नलिखित में से कोई एक हो सकता है, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, विश्वविद्यालय या कॉलेज आईडी, मतदाता पहचान पत्र या पैन कार्ड। परीक्षा स्थल के अंदर अभ्यर्थियों को प्रवेश की अनुमति केवल नीचे दी गई अवधि में दी जाएगी। पहले सत्र, जो सुबह 10 बजे से शुरू होगा, के लिए सुबह 8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच। दूसरे सत्र, जो दोपहर 1:15 बजे से शुरू होगा, के लिए दोपहर 12:45 बजे से 12:45 बजे के बीच। तीसरे सत्र, जो अपराह्न 4:15 या 4:15 बजे से शुरू होगा, के लिए अपराह्न 2:45 बजे से 4:15 बजे के बीच। नोट, प्रवेश बंद होने के समय के बाद पहुंचने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा स्थल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कृपया किसी भी निषिद्ध वस्तु जैसे कि घड़ियां, किताबें, कलम, कागज की पर्ची, मैगजीन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यानी मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, पेन या बटन होल कैमरा, स्कैनर, कैलकुलेटर, स्टोरेज डिवाइस आदि को ना लाएं।
पेन पेंसिल और रफ कार्य के लिए कागज परीक्षा कक्ष में प्रदान किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक घड़ी या टाइमर अभ्यर्थियों को आवंटित कंप्यूटर स्क्रीन पर उपलब्ध होगी। निषिद्ध वस्तु होने के कारण आपको इन वस्तुओं को परीक्षा स्थल के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि परीक्षा प्रयोगशाला में आपके पास ऐसी कोई भी वस्तु पाई जाएगी तो आपकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है और आपके खिलाफ कानूनी या आपराधिक कार्यवाही की जा सकती है। आपको आयोग की भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में बैठने से 3 साल की अवधि के लिए वंचित भी किया जा सकता है। अभ्यर्थी के साथ आए परिवार के सदस्यों, दोस्तों, अभिभावकों या किसी भी सहयोगी को परीक्षा स्थल के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा प्रक्रिया में शामिल चरण हैं: तलाशी। परीक्षा प्रक्रिया में एक अनिवार्य चरण है। परीक्षा स्थल में प्रवेश के समय कृपया तलाशी क्षेत्र यानी फ्रिस्किंग जोन में जाएं, जहां यह सुनिश्चित करने के लिए आपकी तलाशी ली जाएगी कि आपके पास कोई भी निषिद्ध वस्तु नहीं है। महिला अभ्यर्थियों के लिए एक अलग तलाशी क्षेत्र की व्यवस्था की गई है। सभी महिला अभ्यर्थियों की तलाशी केवल महिला कर्मियों द्वारा ही ली जाएगी। तलाशी देने के बाद आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अपने बायोमेट्रिक पंजीकरण हेतु किसी भी पंजीकरण डेस्क यानी रजिस्ट्रेशन डेस्क की ओर बढ़ें। पंजीकरण डेस्क पर अपने अपेक्षित दस्तावेजों जैसे प्रवेश पत्र, पहचान का सबूत को संचालक के साथ साझा करें। संचालक द्वारा दिए गए अनुदेशों के अनुसार अपने बायोमेट्रिक डेटा दें। अभ्यर्थियों को एक बार उनका बायोमेट्रिक पंजीकरण पूरा हो जाने पर परीक्षा स्थल छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अभ्यर्थियों को अपने बाएं हाथ के अंगूठे की स्पष्ट छाप यानी LTI प्रदान करना, अपनी लिखावट में प्रमाणन वक्तव्य और प्रवेश पत्र की आयोग की प्रतिलिपि पर अपना हस्ताक्षर सुनिश्चित करना चाहिए। आपके दस्तावेजों के सफल सत्यापन और आपके बायोमेट्रिक पंजीकरण के पूरा होने पर संचालक आपके प्रवेश पत्र पर लैब नंबर और कंप्यूटर नंबर का उल्लेख करेंगे। संचालक आपके प्रवेश पत्र पर सत्यापित मोहर भी लगाएंगे। बिना सत्यापित यानी वेरीफाइड मोहर के आपको परीक्षा लैब में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आपको आवंटित की गई लैब की सही जगह देखने के लिए आप पंजीकरण डेस्क के पास लगे नोटिस बोर्ड को देखें। किसी शंका की स्थिति में आप पंजीकरण डेस्क यानी रजिस्ट्रेशन डेस्क पर तैनात लोगों की सहायता ले सकते हैं। आवंटित लैब की तरफ बढ़ें और निरीक्षक को अपना प्रवेश पत्र दिखाएं, जो आपको आपकी निर्धारित कंप्यूटर सीट की तरफ निर्देशित करेगा। अपनी निर्धारित कंप्यूटर सीट को ना बदलें। ऐसा कोई भी प्रयास कदाचार माना जाएगा और आपकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है। परीक्षा लैब में प्रवेश करने से संबंधित महत्वपूर्ण अनुदेशों को फिर से आपके ध्यान में लाया जा रहा है। आपके सामने प्रदर्शित कंप्यूटर स्क्रीन पर आपके प्रवेश पत्र पर निर्दिष्ट अपने रोल नंबर और पासवर्ड टाइप करना आपसे अपेक्षित है। कृपया अनुदेश शीट पढ़ें और उसके बाद आई हैव रेड द इंस्ट्रक्शंस एंड अंडरटेक टू अबाइड बाय द सेम पर क्लिक करें। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप मुख्य परीक्षा देने से पहले नमूना परीक्षा यानी सैंपल टेस्ट दें। आपसे अनुरोध है कि आप तारों और केबलों को ना छुएं, क्योंकि
इससे कंप्यूटर बंद हो सकता है। यदि आप किसी तकनीकी समस्या का सामना करते हैं तो समस्या निवारण हेतु तुरंत निरीक्षक से संपर्क करें। महत्वपूर्ण टिप्पणी, अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया जाता है कि किसी भी कारण से परीक्षा के किसी व्यवधान जैसे कि किसी भी बड़ी या मामूली तकनीकी गड़बड़ी या सर्वर की धीमी गति या सर्वर का ब्रेकडाउन आदि के मामले में किन्हीं भी परिस्थितियों में वे परीक्षा के समय जिसके वे हकदार हैं को नहीं खोएंगे। किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा के पूरे होने से पहले किसी भी कारण से परीक्षा पदाधिकारियों की अनुमति के बिना परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं है। एक बार जब एक अभ्यर्थी परीक्षा पदाधिकारियों की अनुमति के बिना कक्ष छोड़ देता है तो उसे परीक्षा कक्ष में फिर से प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। कृपया सुनिश्चित करें कि आपने उपस्थित शीट पर अपने नाम के आगे दिए गए रिक्त स्थान पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। सभी परीक्षा लैब वीडियो की निगरानी में है और अभ्यर्थियों की सभी गतिविधियों पर निगरानी रखी जाएगी। अतः आपको सलाह दी जाती है कि अन्य अभ्यर्थियों से बात करने से या किसी भी अनुचित साधनों में लिप्त होने से बचें, क्योंकि इससे आपकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है और भावी परीक्षाओं से वारित यानी डीबार किया जा सकता है। आयोग सीजीएलई 2016 के अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता है।